आप देख रहे हैं दखल न्यूज। जम्मू कश्मीर में पहली बार फहराया तिरंगा, मलिक बोले आतंकियों ने मान ली है हार। नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से फहराया तिरंगा, एक देश एक संविधान एक टैक्स एक ग्रिड एक इलेक्शन। कमलनाथ ने राजधानी में किया ध्वजारोहण, हाईटेक पुलिस कंट्रोल रूम का किया उद्घाटन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रथम पुण्यतिथि, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पहुंचे अटल स्मारक, दी श्रद्धांजलि। और सत्ता के नशे में चूर कांग्रेस नेता दीपक कर्मा ने किया आईजी से वक्सलूकी, सुरक्षा के मद्देनजर सीएम के पास जाने से रोका तो हुए नाराज। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। श्रीनगर के शेर ए कश्मीर स्टेडियम में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने तिरंगा फहराया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर मलिक बोले कि सुरक्षा बलों की सख्ती के कारण घाटी में आतंकियों ने हार मान ली है। अनुच्छेद 370 और 35 के हटने के बाद घाटी में धारा 144 लागू है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए छूट दी गई थी। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने स्वतंत्रता दिवस पर जमकर डांस किया। वहीं लद्दाख बीजेपी सांसद जामयांग शेरिंग लेह में इस मौके पर तिरंगा हाथ में लेकर जमकर थिरकते नजर आए। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ आजादी का जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से तिरंगा फहराने के बाद अपने संबोधन में कई घोषणाओं के साथ सरकार का लक्ष्य स्पष्ट कर दिया है। भाषण में सबसे पहले प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और राहत कार्यों में लगे कर्मियों का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान कई प्रमुख बातें कही, जिससे अनुच्छेद 370 और कश्मीर मुद्दे का जिक्र था। साथ ही जल्द ही चीफ ऑफ डिफेंस की नियुक्ति भी देश में करने की बात कही गई। पीएम मोदी ने अपने किए कामों को बताते हुए कहा कि हम समस्याओं को टालते नहीं हैं और ना ही समस्याओं को पालते हैं। हमें समस्याएं टालने और पालने का वक्त नहीं है। जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वह 70 दिन के भीतर हुआ। अनुच्छेद 370 35 को हटाने का काम लोकसभा और राज्यसभा ने 2/3 बहुमत के साथ खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं उनसे देश पूछ रहा है कि इतना महत्वपूर्ण था तो उसे अस्थाई क्यों बनाकर रखा था, परमानेंट क्यों नहीं किया गया। मोदी ने 3 तलाक पर कहा कि हमारी मुस्लिम बेटियों के सिर पर 3 तलाक की तलवार लटकी हुई थी, वे डरी हुई जिंदगी जीती थी, वे कभी भी 3 तलाक का शिकार हो सकती हैं। यह भय उनको जीने नहीं देता था। दुनिया के कई इस्लामिक देशों ने इस कुप्रथा को हमसे पहले खत्म कर दिया, लेकिन किसी ना किसी कारण से हम मुस्लिम माताओं बहनों को हक देने से हिचकते थे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने रोजाना एक कानून को खत्म किया है ताकि लोगों पर से बोझ कम हो सके। इस सरकार के 10 हफ्तों में 60 कानूनों को खत्म किया जा चुका है। 10 हफ्ते के भीतर भीतर ही अनुच्छेद 370 का हटना, 35A का हटना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम। आपने देखा होगा हमारी मुस्लिम बेटियां हमारी बहनें उनके सर पर 3 तलाक की तलवार लटकती थी, वो डरी हुई जिंदगी जीती थी, 3 तलाक की शिकार शायद न हुई हो लेकिन कभी भी 3 तलाक की शिकार हो सकती हैं, ये भय उसको जीने नहीं देता था, उसको मजबूर कर देता था। दुनिया के कई देश, इस्लामिक देश, उन्होंने भी इस कुप्रथा को हमसे बहुत पहले खत्म कर दिया, लेकिन किसी न किसी कारण से
हमारी इन मुस्लिम माताओं बहनों को हक देने में हम हिचकिचाते थे। अगर इस देश में हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं, हम भ्रूण हत्या को खत्म करने के कानून बना सकते हैं, अगर हम बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हम दहेज में लेन देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं, तो क्यों ना हम 3 तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं। मोदी ने देश की तरक्की की बात करते हुए बताया कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कई लोगों को मुश्किल लग सकती है। मैं मानता हूं चुनौती बड़ी है, लेकिन सोचेंगे नहीं तो देश कैसे चलेगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारा सपना बड़ा होना चाहिए। आजादी के 70 सालों में देश 2 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचा, फिर 2014 से 19 तक हम लोग 2 से 3 ट्रिलियन तक पहुंच गए। देशवासी साथ चले तो $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था मुश्किल नहीं। मोदी ने चिंता जताते हुए कहा कि हमारे यहाँ बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, यह आने वाले पीढ़ी के लिए अनेक संकट पैदा कर सकता है। हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। वे अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले सोचता है कि मैं उसकी जरूरतों को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं। आज भी खुद की प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित रखकर अपना भी भला करता है और देश की भलाई में भी बड़ा योगदान देता है। समाज के बाकी वर्गों को जोड़कर हमें जनसंख्या विस्फोट की चिंता करनी होगी। राज्य और केंद्र सरकार को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस काम को करना होगा। लॉन्चिंग पैड उनको लिए अवेलेबल होने चाहिए, हमारे वैज्ञानिकों को बेहतर संसाधनों के लिए पूरी सुविधा हो, हमारी सेना के पास बेहतर सरंजाम हो, वो भी देश में बिना बना हुआ हो, तो मैं मानता हूं ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए भारत को एक नई शक्ति दे सकते हैं। शांति और सुरक्षा विकास के अनिवार्य पहलू है। दुनिया आज असुरक्षा से घिरी हुई है। दुनिया के किसी न किसी भाग में, किसी न किसी रूप में मौत का साया मंडरा रहा है। विश्व शांति, विश्व समृद्धि के लिए भारत को अपनी भूमिका अदा करनी होगी। वैश्विक परिवेश में भारत मूक दर्शक बन के नहीं रह सकता है, और भारत आतंक फैलाने वालों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहा है। विश्व के किसी भी कोने में आतंकी घटना ये मानवतावाद के खिलाफ छेड़ा हुआ युद्ध है, और इसलिए मानवतावादी शक्तियां विश्व भर की एक हो, आतंकवाद को पनाह देने वाले, आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाले, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने वाले, ऐसी सारी ताकतों को दुनिया के सामने उनके सही स्वरूप में प्रस्तुत करना, दुनिया की ताकत को जोड़ करके आतंकवाद को नष्ट करने की प्रयासों में भारत अपनी भूमिका अदा करे, उसके लिए हम चाहते हैं। हो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय के जो जानकार हैं वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे, और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। एक देश एक संविधान, एक टैक्स, एक ग्रिड, एक इलेक्शन। प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 के संबंध में कहा कि आज पूरा देश कह सकता है एक देश एक संविधान। GST के माध्यम से वन नेशन वन टैक्स के सपने को पूरा किया। पिछले दिनों वन नेशन वन ग्रिड को सफलतापूर्वक किया, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था की। आज देश में व्यापक रूप से चर्चा है वन नेशन वन इलेक्शन, जल जीवन मिशन की घोषणा। आजादी के 70 साल हो गए, हर किसी दल ने देश के विकास में योगदान किया, लेकिन आज भी देश में आधे घर ऐसे हैं जहां पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है।
कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलना है। आज मैं घोषणा करता हूं कि सरकार आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन शुरू करेगी। इसके लिए सरकार करीब 3 लाख करोड़ खर्च करेगी। केंद्र और राज्य सरकार इसके मिशन के लिए साथ मिलकर काम करेगी। मोदी ने कहा कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ। गुजरात में एक तीर्थ स्थल है महुड़ी। यहाँ एक जैन संत 100 साल पहले लिख कर गए हैं कि पानी किराने के दुकान में बिकेगा। पीएम मोदी ने बताया कि देश में एक नया चीफ ऑफ डिफेंस का पद होगा। लंबे समय से देश में इसकी मांग थी। यह थल जल और वायु सेना तीनों बलों के बीच बेहतरीन सामंजस्य स्थापित करने का काम करेगा। प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के समन्वय की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सेना के तीनों अंग साथ मिलकर काम करते हैं और रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना होगा, इसकी तरफ हमारा ध्यान है। 100 लाख करोड़ रुपए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए जाएंगे। इसमें सागरमाला भारतमाला रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण शामिल है। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। क्या महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं? दुकानदार दुकान के बाहर लिख दें कि हमसे प्लास्टिक की थैली की मांग ना करें, कपड़े का थैला लेकर आएं, वरना वे खुद ही कपड़े का थैला बेचना शुरू कर दें। मैं सभी दुकानदारों से आग्रह करूंगा कि दुकान पर एक बोर्ड यह भी लगाएं कि कृपया हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा ना करें। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लाल परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि सरकार के लिए प्रदेश के विकास की राह चुनौतियों से भरी पड़ी है। जनता को दिए गए वचन पत्र में सभी वादों को 5 साल में पूरा करेंगे। इसके बाद उन्होंने प्रदेश के नए हाईटेक पुलिस कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शहीद स्मारक पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिमझिम फुहारों के बीच कमलनाथ ने ध्वजारोहण किया। राज्य के नागरिकों को ही सरकार की शक्ति बताते हुए कहा कि सरकार और लोगों के बीच की दूरियां कम की जा रही हैं। आम नागरिकों के प्रति अपने संदेश में कहा कि यही नागरिक शक्ति राज्य को गरीबों बेरोजगारी से मुक्ति और विकसित और ऊर्जावान प्रदेश बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 लाख से ज्यादा किसानों के डिफॉल्टर ऋण माफ हो गए हैं। बड़ी संख्या में किसानों ने एक ही जमीन पर कई बैंकों से ऋण ले रखा था। छानबीन पूरी होने पर उनका भी ऋण माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रवि 2018-19 में उत्पादित गेहूं विक्रय पर 160 रुपए प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि उनके खाते में जमा करवाई जाएगी। प्रदेश के 70% जनता आज भी कृषि पर ही निर्भर है। इस कारण कृषि हमारी प्राथमिकताओं में से सबसे ऊपर है। हमारी सरकार ने सबसे पहले जनता से चुनाव पूर्ण किए गए वादे अनुसार किसानों की ऋण माफी पर कार्य किया और जय किसान फसल ऋण माफी योजना लेकर आए। योजना के प्रथम चरण में हमने 30,10,000 किसानों के 50,000 रुपए तक के चालू ऋण और ₹2 लाख तक के डिफॉल्ट ऋण को माफ करने का कार्य किया। सभी प्रदेशवासियों को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि किसानों को आधी दरों पर और गरीबों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जा रही है। किसानों के लिए बनाई गई इंदिरा किसान ज्योति योजना में 10 हॉर्स पावर तक के स्थायी कृषि पंप कनेक्शनों को 1400 की जगह 700 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष के फ्लैट रेट से बिजली दी जा रही है। इसका लाभ 18 लाख किसानों को मिल रहा है। कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार की योजना हर जिले में कम से कम एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की है। हम कानून बनाने जा रहे हैं कि प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को 70% रोजगार प्रदेश के लोगों को ही देना पड़ेगा। आदिवासी भाइयों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए सरकार औषधीय खेती योजना लेकर आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल और इंदौर की लगातार बढ़ती आबादी मूलभूत सुविधाओं को प्रभावित कर रही है। इससे बचने के लिए उपनगरों की स्थापना जरूरी है। इसीलिए भोपाल और इंदौर के साथ ही ग्वालियर को मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाया जा रहा है। कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर कांग्रेसजनों के नाम संदेश का वाचन किया। नाथ ने भारत की आजादी के 73वें वर्ष पर प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद सेनानियों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने हाईटेक पुलिस कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल स्मारक पहुंचे।
अटल 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। 2014 के दिसंबर में अटल को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। कश्मीर को मुख्य धारा में लाना अटल का सपना था। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहले 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बार 1998 में प्रधानमंत्री बने। सहयोगी पार्टियों के समर्थन वापस लेने की वजह से 13 महीने बाद 1999 में फिर आम चुनाव हुए। 13 अक्टूबर 1999 को वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस बार उन्होंने 2004 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। 2014 के दिसंबर में अटल जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। मार्च 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और अटल जी को उनके घर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया। पिछले हफ्ते कश्मीर से अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी किए जाने के बाद मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में अटल जी को याद किया था। उन्होंने कहा था कि जो सपना सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ करोड़ों देशभक्तों का था, वह पूरा हो गया है। अटल सभी की स्मृति में अटल है। सदैव अटल स्मारक पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। अटल की दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य और पोती निहारिका ने भी स्मृति स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सत्ता के नशे में चूर कांग्रेस नेता दीपक कर्मा ने बस्तर आईजी विवेकानंद सिन्हा से वत्सलूकी की। अब यह मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आईजी विवेकानंद सिन्हा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था देख रहे थे। नक्सलियों की बढ़ रही गतिविधियों के मद्देनजर बस्तर आईजी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बैच लगाने की सलाह दी थी, मगर एनएसयूआई के कार्यकर्ता बिना बैच के ही मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद आईजी के रोकने पर दीपक कर्मा ने उनसे बदसलूकी की। 15 साल बाद मिली सत्ता को कांग्रेस के नेता पचा नहीं पा रहे हैं। सत्ता के नशे में चूर कांग्रेस नेता अब आईजी से बदसलूकी करते नजर आए। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में फिर ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक कार्यक्रम में सुरक्षा के मद्देनजर भीड़ को रोक रहे बस्तर आईजी विवेकानंद सिन्हा से कांग्रेस नेता दीपक कर्मा ने बदसलूकी कर दी। बस्तर में बौखलाए नक्सली किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। मुख्यमंत्री सहित खुद दीपक कर्मा का परिवार नक्सलवादियों की हिट लिस्ट में है। यहाँ पुलिस को कांग्रेसियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होता है। ऐसी स्थिति में एक आईजी रैंक के अफसर के साथ सड़क छाप टपोरियों की तरह व्यवहार किया गया। पुलिस विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैज पहनाने को सलाह दी थी, ताकि कोई संदिग्ध मुख्यमंत्री तक ना पहुंच पाए। एनएसयूआई के 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता बिना बैज लगाए अचानक मुख्यमंत्री के करीब जाने लगे, जिसे पुलिस कर्मचारियों ने रोक दिया। ऐसा होते देख कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक कर्मा आग बबूला हो गए और आईजी पद की मर्यादा को धात बतलाते हुए उनसे बदसलूकी कर बैठे। ये सभी लोग सुरक्षा पाने के बाद हम लोग यहाँ जाएंगे। सब लोग जाएंगे फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in.
देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की कई दिनों से हालत नाजुक बनी हुई है। पहले भी गौर की तबीयत अचानक बिगड़ने से उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गौर स्वस्थ होकर भोपाल लौटे थे। दोबारा तबीयत खराब होने पर भोपाल के एक निजी अस्पताल में वे भर्ती हैं। फिलहाल गौर को वेंटिलेटर पर रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की खराब हालत से सभी चिंतित हैं और उन्हें देखने अस्पताल जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और मुख्य सचिव एस आर मोहंती भी भोपाल स्थित नर्मदा ट्रामा सेंटर पहुंचे। पिछले दिनों नर्मदा ट्रामा सेंटर में भर्ती हुए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के स्वास्थ्य के विषय में उनके परिवार से चर्चा की व हालचाल जाना। नर्मदा ट्रामा सेंटर की क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट वार्ड डायरेक्टर डॉक्टर रेणु शर्मा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को विस्तार से गौर की तबीयत व उनसे जुड़ी सभी छोटी बड़ी चीजों की जानकारी दी। भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर बंदियों को उनकी बहनों ने राखी बांधी। इस दौरान जेल प्रशासन ने विशेष इंतजाम किया था। जेल प्रशासन ने नाम पता व आईडी प्रूफ लेने के बाद बहनों को भाइयों से मिलवाया। भोपाल के गांधीनगर स्थित सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन के त्योहार पर जेल में बंद कैदियों की बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी। इस दौरान जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई थी। बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर राखी बांधी। इस दौरान कैदियों के परिजनों के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई तो भावुक भी नजर आए। कैदी भी अपनी बहनों से मिलकर काफी खुश नजर आ रहे थे। बहनों ने राखी बांधकर भाइयों से वचन लिया कि वे जेल से छूटने के बाद सत्य के कदम पर चलेंगे। इससे पहले सेंट्रल जेल में सुबह से ही कैदियों के परिवार वाले पहुंच चुके थे और लंबी लाइन लगाकर बहनें भाइयों से मिलने का इंतजार करती रहीं। जेल प्रशासन ने आईडी प्रूफ दिखाकर भाइयों से मिलने दिया। तेज रफ्तार से आ रही बस ने टैक्सी को इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि टैक्सी में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। घायलों में भी एक की हालत गंभीर बनी हुई है। एक्सीडेंट के बाद चालक मौके से ही फरार हो गया। छतरपुर के बड़ा मलहेरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बस ने टैक्सी को जोरदार टक्कर मार दी। बस और टैक्सी की इस भिड़ंत में टैक्सी सवार दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना सूरजपुरा दरगुवा रोड पर उस समय हुआ जब कटनी से पन्ना जा रही यात्री बस ने टैक्सी को टक्कर मारी। घटना के बाद से ही बस का स्टाफ बस छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बस को जब्त कर बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये मिश्रा बस है जो कटनी से टीकमगढ़ के लिए जा रही थी। ये दरगुआ के पास बाजना रोड पर इधर से सामने से ऑटो जा रहा था, उसमें सवारियां बैठी हुई थी और उधर से बस वाला आ रहा था। मोड़ पर जैसे ही आए आपस में दोनों टकरा गए तो इसमें बैठे दो लोगों की एक की तो वहां मौके पर मृत्यु हो गई थी राजेंद्र लोधी की और एक को अस्पताल भेजा गया था, गंभीर रूप से घायल हुआ था जो अस्पताल में उसकी डेथ हो गई। तीन लोग और घायल है जिसमें एक लड़की अनीता है उसको छतरपुर रेफर कर दिया है। अक्सर अपनी नीतियों में सफल होने के लिए नक्सली भोले भाले ग्रामीण आदिवासियों को बहला फुसला कर नक्सली गतिविधियों में शामिल करते हैं। अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने नक्सली ऑटो में बैठकर पूरे गांव में घूम रहे हैं और माइक से राष्ट्र विरोधी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए आदिवासियों को बहका रहे हैं। आदिवासियों को कोई भी त्योहार न मनाने की सीख दी जा रही है। देश में अलगाववादी शक्तियां हर उस जगह सक्रिय हो जाती हैं जहां उन्हें सीधे और भोले भाले ग्रामीण आदिवासी नजर आते हैं। अलगाववाद के इस जहर से आदिवासी बहुल बस्तर भी अछूता नहीं है। यहां भी आदिवासियों का गैर आदिवासियों से अलगाव कराने की कोशिश की जाने लगी है। नक्सलवादी और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित कुछ लोग अलगाववाद फैलाने की राष्ट्रीय विरोधी नीतियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। अब इन तत्वों ने निशाने पर भारत के महत्वपूर्ण त्योहार आ गए हैं जिनके माध्यम से वो अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह आदिवासियों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। राखी बांध राखी बांध राखी बांध राखी बांध करते रहे दादा दीदी मान हम तो राखी त्योहार नु आए बाहरी लोग तो त्योहार आए ये त्योहार ने पूरा हम तो नुकसान हो से हम तो पैसा खर्चा हो से बाहरी लोग के फायदा हो से उन्हीं का जे राखी त्योहार के बंद करते रहे दीपावली बंद करते रहे ये गणेश भसातर नु आए दुर्गा भसातर नु आए ये कई मनुवादी मंच त्योहार के मानतर नु आए। मछली पकड़ने का शौक कुछ ग्रामीणों को महंगा पड़ गया। तेज बरसात के चलते नदी का जल स्तर बढ़ गया और ऐसे में ग्रामीणों का शौक प्रशासन की मुसीबत बन जाता है। कांकेर में ग्रामीणों के नदी में फंसने की खबर सामने आई है। दरअसल प्रतापपुर थाना इलाके की मेंढकी नदी में 7 ग्रामीण मछली पकड़ने गए हुए थे। सभी ग्रामीण पंखाजूर इलाके के चंदनपुर गांव के हैं। इसी दौरान मेंढकी नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं मछली पकड़ने गए ग्रामीण उफंती नदी में फंसे और अपनी बचाव करते हुए नदी में ही एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। बाढ़ में फंसे 7 ग्रामीणों में से एक ग्रामीण जैसे तैसे खुद को बचाकर
तैरते हुए नदी से बाहर आया और सबसे पहले उसने प्रतापपुर थाने व परिवार लोगों को बताया। मामले की जानकारी होते ही पंखाजूर का स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा। फंसे ग्रामीणों का रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू टीम कांकेर से आई हुई है, नाव भी है हमारे पास। बारिश कुछ देर से थमी हुई है, पानी का स्तर भी घट रहा है, लोग अभी तक सुरक्षित हैं। हम पानी को थोड़ा और घटने का वेट कर रहे हैं और जगदलपुर से एक और टीम आ रही है बोट के साथ, हम उसका वेट कर रहे हैं। उसके पहले अगर हम कोई अन्य उपाय निकाल पाते हैं तो इनको इस तरफ लेकर के आ जाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। किसान रोज की तरह अपने खेत देखने जा रहे थे कि अचानक नदी का जल स्तर बढ़ गया और लगभग डेढ़ दर्जन किसान बाढ़ में फंस गए। प्रशासन को सूचना मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, सभी किसान सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। छतरपुर के पुत्री गांव में धसान नदी में बाढ़ आने से डेढ़ दर्जन किसान बाढ़ में फंस गए। किसानों के धसान नदी में फंसने की सूचना प्रशासन को लगी तो एसडीएम और एसडीओपी सहित होमगार्ड के जवान मौके पर पहुंचे और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। किसानों के बाढ़ में फंसे होने की सूचना पर क्षेत्रीय विधायक भी वहां पहुंच गए। यह किसान अपने खेत को देखने धसान के पार गए थे, तभी आज सुबह बांध सुजारा बांध के गेट खोल दिए गए तो धसान नदी में बाढ़ आ गई और यह सभी डेढ़ दर्जन किसान एक टापू पर फंस गए। होमगार्ड के जवानों ने बोट की मदद से रेस्क्यू कर इन सभी किसानों को बाढ़ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। त्रिखेरा गांव के कुछ किसान एक टापू पर फंस गए हैं। धसान नदी की बाढ़ बहुत तेज है और वहां से निकल नहीं पा रहे हैं और एक रात भर वो वहाँ भूखे प्यासे वहाँ पर है, ऐसी मुझे सुबह जानकारी लगी और मैंने तत्काल कलेक्टर को फोन किया। मौके पर रेस्क्यू टीम पूरी पहुंची, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, तमाम पुलिस के लोग, तो पूरा शासन प्रशासन वहां पहुंचा और रेस्क्यू किया। एक पुराने हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। एक युवक की सिलबट्टे से हत्या कर दी गई थी जिसके दो आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दो अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने युवक की 5 लाख की सुपारी लेकर हत्या की थी। छतरपुर के नौगांव में युवक के अंधे हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्याकांड में 4 आरोपियों का होना बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है, 2 अभी भी फरार हैं। आपको बता दें कि 6 अगस्त को उत्तर प्रदेश के खमा में रहने वाला वीरेंद्र राजपूत का शव घर के कमरे में खून से लथपथ पड़ा मिला था। जब पुलिस ने मामले की हकीकत जानना शुरू की तो पता चला कि मृतक यूपी के 2 हत्याकांड का आरोपी था। बताया जा रहा है कि मृतक की गांव में ही ब्रजेश दुबे से रंजिश चल रही थी। उसको शक था कि टीकमगढ़ जिले में 2 बार उसके ऊपर हमला हुआ था जिसकी मुखबिरी मृतक वीरेंद्र ने की थी। इसी खुन्नस को लेकर गांव के एक युवक की
5 लाख की सुपारी लेकर बाद में हत्या की योजना बनाकर भूपेंद्र और फहीम ने वीरेंद्र के घर जाकर उसे जमकर शराब पिलाई और जब वो नशे में धुत हो गया तब इन दोनों ने सिलबट्टे से उसकी हत्या कर दी। सब्जी छीलने वाले छिलनी से भी वीरेंद्र का गला काटा और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और योजना में शामिल दो अन्य अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह राजपूत नामक 38 वर्षीय व्यक्ति किराए के मकान में रह रहा था और मूलतः ये खमा ग्राम महोबा जिले का रहने वाला था। 7 तारीख को इनके मृत होने की जानकारी मिली थी जिस पर से धारा 302 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। वीरेंद्र की हत्या सिर में पत्थर पटक करके गले में धारदार हथियार से चोट पहुँचा कर की गई थी और उसकी मोटरसाइकिल भी लूट कर ले जाई गई थी। थाना प्रभारी नगांव और SDOP ने इसमें बहुत ही लगन मेहनत से काम किया, इनकी टीम ने काम किया और बहुत जल्दी ही हत्या के अपराधियों को इन्होंने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आफत बनती जा रही बारिश से सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, ऐसे में ग्रामीणों को सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गाँव का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है, लोग मजबूरी में जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कर रहे हैं मगर प्रशासन किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं कर रहा। ऐसा लगता है कि मानो प्रशासन किसी बड़ी घटना के इंतजार में है। 24 घंटे से हरदा जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों में पानी होने की वजह से 100 से अधिक गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। हालात ये है कि लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कर रहे हैं परंतु प्रशासन द्वारा नदी की कोई पुलिया पर रेलिंग नहीं लगाई गई है और न ही हादसा होने पर किसी भी तरह के बचाव की कोई भी व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर भारत माता की महाआरती का आयोजन किया गया। आयोजन में भाजपा युवा मोर्चा के साथ ही बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने महाआरती कर भारत माता के जयकारे लगाए। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर भोपाल के नादरा बस स्टैंड पर भारत माता की महाआरती का आयोजन किया गया। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित की गई इस महाआरती में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और भारत माता के जयकारे लगाए। युवा मोर्चा के शाश्वत भारत सक्सेना ने बताया कि यह राष्ट्रभक्ति का महायज्ञ है, यहां सभी नौजवान आहुति दर्ज कर सिंह की दहाड़ में मां भारती को पुकारते हैं और दुनिया को बताते हैं कि युवा देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटेगा। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर नादरा बस स्टैंड चौराहे पर भारत माता की महाआरती का नित्य आयोजन होता आ रहा है। ये राष्ट्रभक्ति का एक महायज्ञ है, जहां सभी नौजवान अपनी उपस्थिति की आहुति दर्ज कर सिंह की दहाड़ में माँ भारती को पुकारते हैं और पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि हिंदुस्तान का युवा किसी भी क्षण किसी भी स्थिति में अपने देश के लिए हर स्थिति में अपने प्राणों को आहुत करने से पीछे नहीं हटेगा और हम सभी को पूरे देशवासियों को नादरा बस स्टैंड के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। अब बात वीडियो वायरल की। भारत में देश प्रेम की बहुत मिसालें हैं और सभी अपने तरीके से देश प्रेम जताते हैं मगर इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक बच्ची जिसका एक पैर नहीं है वो अपने एक पैर से ही देशभक्ति के छत्तीसगढ़ी गानों पर जमकर नाची, जिसकी लोगों ने जमकर सराहना की और उसके जज्बे को सलाम किया। बच्ची के डांस को देख लोग दंग रह गए। बच्ची के डांस का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर सुकमा के मिनी स्टेडियम में छोटी बच्ची का डांस देख सभी ने उसके हौसले को सलाम किया। दरअसल एक पैर ना होने के बावजूद भी बच्ची अपने एक ही पैर से डांस करती देशभक्ति गीतों पर नजर आई, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। डांस के सभी स्टेप बच्ची ने बिना कोई परेशानी के किए। एक पैर ना होने के बावजूद उसे डांस करता देख लोगों की आंखों में आंसू आ गए। बच्ची सुकमा की आकार संस्था से जुड़ी है जो दिव्यांग बच्चों में हौसला जगाकर आम लोगों की तरह जीना सिखाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके साथ है जर्जर भोपाली जो आपको सुनाएंगे अपने ही अंदाज में भरंड समाचार। नमस्कार, भरंड समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ, मैं हूँ जर्जर भोपाली। कुछ दिन पहले कल्याण भाई मेरे से बोल रहे थे कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है कश्मीर में, कुछ ऐसा भरने वाला है, बम यो वहाँ पूरी मिलिट्री पहुंच रही है, वहाँ के लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है और वहाँ के स्टूडेंट्स को भी वहाँ भेजा जा रहा है। मेरे को लग तो रहा था कुछ होने वाला है, लेकिन इतना बड़ा होने वाला ये मैंने कभी सोचा नहीं था। वो कल भैया राज्यसभा में बिल पेश हो गया, धारा 370 हटा दी अमित शाह ने। बताओ ये सब बड़ा धमाका, जो 70 साल से जो गलती चली आ रही थी उसको एक दिन में खटाक से इन्होंने निपटा दिया। और मैं बता रहा हूँ इसमें
कांग्रेस के नेता ऐसे बिल बिलाए फिर रहे हैं, इनमें कोई संपर्क नहीं बैठ रही, क्या बोलें, क्या सपोर्ट करें इसका, क्या करें। कुछ कांग्रेस के नेता सही बात बोल रहे हैं, बोले देश में ये अच्छा हुआ, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में एक ही कानून चलेगा, और वहाँ की बेचारी लड़कियाँ अगर दूसरी जगह शादी कर लेती तो उनकी प्रॉपर्टी में कोई रिश्तेदारी नहीं रहती थी। अब ये कोई लोकतांत्रिक चीज़ें हैं क्या? और वहाँ के कश्मीर के नेता बोल रहे हैं कि अलोकतांत्रिक फैसला है, ये है वो है, कोर्ट में जाएंगे। हमें बता नहीं ये सब भाई लोकतंत्र की चीज़ें थी क्या? ये किसी को विशेष अधिकार, किसी को कोई अधिकार ही नहीं है। और मैं बता रही हूँ अब क्या हो गया वहाँ, अब दिल्ली जैसा माहौल हो जाएगा वहाँ। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और एलजी, इनमें खूँ 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 चलती रहती है, वो एलजी पावरफुल रहेगा, हाँ उसकी चलेगी ज़्यादा, वो ताकतवर रहेगा। और पाकिस्तान हमारे जो पड़ोसी देश है, बेवजह चिल्लाया जा रहा है, भुनभुनाया जा रहा है, बिल बिलाए जा रहे हैं, अरे तुम्हें क्या लेना देना, ये हमारे देश का मामला है, हम कुछ भी करें। हाँ हम चंद्रयान पे पहुंच गए, मैं कह रहा हूँ भैया तुम्हारा फाँके पड़ रहे हैं, पेट की जनता का इंतजाम करो, भूखों मर रहे हैं लोग उनका इंतजाम करो, उसके बारे में सोचो, हमारी चिंता मत करो, बेवजह फटे में टांग मत अड़ाओ। हाँ बता रही हूँ, वो आजकल एक मोदी जी का फोटो चल लिया है, वो उन्होंने लाल किले पर तिरंगा फहराया था बहुत दिनों पहले, हाँ वो फोटो बहुत दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, छाया हुआ है, बता रही हूँ। वो मैं बता रही हूँ, ये आदमी देखो पहले दृढ़ संकल्प किया था इन्होंने धारा 370 हटाने का उस वक्त, और वो उन्होंने करके दिखा दिया, बता रहा हूँ, ये काम कहलाते हैं, बता रहे हूँ। और पूरे देश में बता रहे हूँ बाढ़ के हालात बने हुए, कई जगह बाढ़ आ रही है, बाढ़ में भी तिरंगा लेकर लोग खुशी मना रहे हैं, वे ऐतिहासिक काम हुआ है देश में बहुत सालों बाद, बता रहे हूँ। वो कांग्रेस के नेता तो ये थे फड़फड़ा रहे हैं, बता रहे हूँ। वो फारूक अब्दुल्ला भाई बोल रहे हैं ये लोकतांत्रिक हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। और मैं बता रही हूँ कई नेता को तो अभी जेल में ठूसे जा रहा है, उनके जो अपराध हैं, इनके जो मोनोपोली चल रही थी कश्मीर में, इनकी दुकानें चल रही थी, सबकी बंद होने वाली है। हाँ मैं भी जाऊं भैया, मेरे भी दुकान खुलने का टाइम हो गया। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lncdu.ac.in.